अलीगढ़ में आक्रोशित लोगों ने साफ सफाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ विरोध दर्ज किया। ये मामला शाह जमान ईदगाह का है, जहां ईदगाह में फैली गंदगी को लेकर लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए लोगों ने साफ सफाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए। स्वास्थ्य मंत्री के साथ नगर आयुक्त का पुतला तक यहाँ लोगों ने जला दिया। लोगों का कहना था कि ईद का त्यौहार आने वाला है, ईदगाह पर ईद की नमाज अदा होगी, लेकिन नगर निगम ने ईद को लेकर कोई तैयारी नहीं की। निगम पूरी तरह से लापरवाह बन चुका है। को ईद उल अजहा का त्यौहार है और हर बार ऐसा होता है हर साल कि ईद से 10 दिन पहले यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, लेकिन इस बार मात्र 3 दिन ईद के बचे हैं और अभी तक कोई सफाई यहाँ नहीं हुई। ना मेयर साहब कोई सुध ले रहे, ना नगर निगम की कोई टीम सुध ले रही। देखिए, करीब हम 10 दिन से इंस्पेक्टर साहब से कह रहे हैं, अनिल इंस्पेक्टर है, कि हमारी ईदगाह पे नमाज होनी है। हमेशा सदियों से ये चला होता आ रहा है कि एक महीने पहले यहाँ के इंस्पेक्टर जो हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। इस बार हमें ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य अधिकारी और अनिल इंस्पेक्टर कोई हमें जवाब देने को तैयार नहीं है कि ईद की नमाज हम ईदगाह के अंदर पढ़ें, बाहर पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कोई जगह नहीं है हमारी नमाज पढ़ने की।